खबर का रुख फिलहाल करेंगे अजमेर के रेल म्यूजियम में। बीते 3 दिनों में 11 खानाबदोशों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ खानाबदोश पीछे की दीवार फांदकर फरार भी हो गए। कुछ खानाबदोश नजदीक ही मार्टिंडल ब्रिज के नीचे पहुंचे और गुजर बसर करने लगे। सूचना पर क्लॉक टावर थाना अधिकारी मैजाब्ता ब्रिज के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साथ काफी संख्या में खानाबदोश वहां पर मौजूद हैं, जिस पर मौके पर ही चिकित्सा टीमों को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि रेल म्यूजियम में पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद ही ये लोग वहां से भाग निकले। अब इस सबकी जांच के बाद ही सभी को क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। हमारे आसपास मार्टिनल ब्रिज है, मार्टिनल ब्रिज के आसपास रेलवे कॉलोनीज है और कुछ जो रेल की पटरियां हैं, इन रेल की पटरियों के आसपास पुराने जो ये खंडरनुमा मकान बने हुए हैं, तो ये लोग दिन के समय तो लुकाछिपी करके इधर उधर इन खंडरों में और नाले के आसपास दब जाते हैं और फिर ये शाम के समय जब इनको भूख लगती है तो ये लोग कॉलोनियों में घूमते हैं। तो हमने आज सुबह से ही इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, जो लगभग 20-25 लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा किया है और इन मेडिकल टीम बुला के इनकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है और स्क्रीनिंग कराने के बाद जैसा भी मेडिकल टीम तय करेगी और फिर प्रशासनिक अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर इनको शेल्टर होम में भिजवाया जाएगा।